आपने अक्सर कटाप के बारे में जरूर सुना होगा। बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाला आखिर कटाप होती क्या है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जैसे 12th पास आउट करते हो वैसे ही किसी एग्जाम में बैठते हो या फिर बैठने वाले हो या फिर एग्जाम दे चुके होगे, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया गया होगा कि भाई ये कटाप आपने सुना होगा बहुत से लोगों की, भाई इसकी जो एग्जाम की कटाप इतनी जाने वाली है। तो अगर आप नए हो तो बेसिकली आपको हो सकता है कि अगर आपको किसी ने बताया हो तो आपको पता होगा, अगर आपको किसी ने नहीं बताया है और आप जानना चाहते हो कि कट ऑफ क्या होती है, तो फिर ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए सिंपल से जानते हैं कि भाई कट ऑफ क्या होता है और ये कैसे काम करता है, यानी एग्जाम में इसका क्या रोल होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं और सिंपल सा जानते हैं। हालांकि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, आपको लास्ट तक मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा वर्ड्स ही है कि इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। हालांकि मैं अपने चैनल पर स्टडी और टेक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई कट ऑफ का क्या मतलब होता है। बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड से कट ऑफ, और इसका मतलब होता है कटना या फिर छटना, ठीक है। और अब इसको समझते हैं कि इसका जो है एग्जाम्स में क्या रोल्स होता है। जैसे कि आपको पता है जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होता है और उसमें जो अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है, उसमें जो लोग अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं कैंडिडेट, ठीक है, वो परीक्षा में जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कितने नंबर पर जो है सफल घोषित किया जाता है, इसको ही कट ऑफ कहा जाता है। हालांकि हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आया हो, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल्स की तरीके हम समझ लेते हैं, ठीक है। माना कि कोई एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का है, ठीक है, उसमें जो है 100 नंबर का क्वेश्चन है, आप कितने अधिकतम ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ उसकी कट ऑफ गई 75, 100 नंबर का पेपर था और कट ऑफ वहाँ पे गई 75। अगर आपको इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो आपको 75 नंबर लाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 75 नंबर लाते हैं, अगर 75 से आप 76 या फिर प्लस में जितने भी नंबर लेके जाते हैं 100 तक, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन इसकी जो कट ऑफ गई है 75, यानी कि यहाँ पे कम से कम अगर आपको इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है या इस पोस्ट पे सेलेक्ट होना है, एग्ज़ाम के जो पोस्ट है उस पे सेलेक्ट होना है, तो कम से कम आपको 75 नंबर लाने पड़ेंगे। तो बेसिकली यही कट ऑफ होता है, यानी कि अगर जैसे कि किसी के कम नंबर आ गए, किसी के बहुत कम नंबर आ गए, ठीक है, 75 नंबर से मान लीजिए किसी के बहुत नंबर है 40-50, तो ये कट ऑफ से बहुत कम है, तो ये लोग बेसिकली कहेंगे कि भाई जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और हमारे नंबर बहुत कम है। तो बेसिकली यही कट ऑफ होता है कोई भी एग्ज़ाम में। और इसे अगर इसकी अगर बात करें, समझने का प्रयास करें एकदम सीधे मतलब में, मतलब जो इसका है वो सरल भाषा में, ठीक है, तो वह न्यूनतम अंक जिसको प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी का निर्धारित पद में चयन हो जाता है, वो कट ऑफ होती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये एक सिंपली वे में है, लेकिन समझने के तौर पर मैंने आपको जैसे समझा ही दिया है। और गाइस कट ऑफ कितनी जाएगी ये डिपेंड करता है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी पे, या फिर एग्जाम का जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि किसी एग्जाम में जो है पेपर हार्ड आया है, तो बेसिकली वहाँ पे जो है कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि बहुत से यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं वही एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कट ऑफ कम जाती है। और मान लीजिए जो है पेपर इजी आ रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अगर क्वेश्चन ईजी होंगे तो जिनको थोड़ा कम स्टडी करते हैं या फिर जो है एक नॉर्मल लेवल पे स्टडी करते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करना। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप देखते रहें स्टडी एंड टैक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।